गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास पर आपका बहुत स्वागत करती हूँ। इसके पहले की वीडियो में हमने ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़े थे और एडवर्टीजमेंट लिखने की कला के बारे में समझा था। आज हम आपके टेक्सटुअल पार्ट के अंतर्गत, ये जो फ्रंट पेज आप देख रहे हैं ये है टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का, और इसके ही हम फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक निकाल लें और सामने रख करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, अर्थात आखिरी पाठ। इस लेसन को किसने लिखा है? तो इस लेसन को लिखा है अल्फोंसो ड्यूडेट। 1814 to 1897 वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रेंको प्रशियन वार 1870 to 1871 इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रशिया लेड बाय बिस्मार्क। प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। इन दिस स्टोरी फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्जैक एंड लॉरिन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब इसके जो लेखक हैं वो हैं अल्फोंसो ड्यूडेट, और ये फ्रेंच नॉवलिस्ट रहे हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी रहे हैं। ये लास्ट लेसन किन दिनों लिखा गया है? जबकि फ्रेंको प्रशियन वार हुआ था 1870 to 1871 के बीच में, उस बीच में ये लेसन जो है ये चैप्टर लिखा गया। और यहाँ पर फ्रांस जो था वो प्रशिया से हार गया था, और प्रशिया जो है, प्रशिया आज के समय में जो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स हैं उनको मिला के प्रशिया बना हुआ था। ये स्टोरी हमें बताती है कि किस प्रकार फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट थे, जो ज़िले थे एल्सैक और लॉरिन, वो कैसे प्रशियन यानी प्रशिया के कब्जे में चले गए थे। और वहाँ पर उन दिनों जो स्कूल लाइफ होती थी, लोगों के जीवन में युद्ध का क्या असर पड़ता था, उनकी भाषाओं पर क्या असर पड़ता था, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं ये फ्रांस का मैप है, और यहाँ पर फ्रांस में जो डिस्ट्रिक्ट थे लॉरेन और एल्सैक, ये वाले हिस्सा जो था ये प्रशिया अर्थात जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया के कब्जे में आ चुका था। तो यहाँ पर प्रशिया का कब्जा हो चुका था। अब हम यहीं के बारे में आगे लेसन में पढ़ेंगे। चलिए पहले लेसन रीड करते हैं, और बच्चों इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैंने लास्ट में दिए हुए हैं ताकि आप उसको नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से बच्चे के मुँह जबानी ये स्टोरी चल रही है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ इज स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल एंड आई डिडेंट नो द वर्ड फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, so bright, the birds were chirping at the edges of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from here. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पर एक छोटा बच्चा जो है वो बताता है, वो स्कूल जाता रहता है, तो उस दिन वो बोल रहा है कि मैंने बहुत देर कर दी स्कूल जाने में सुबह सुबह, और मुझे बहुत डर था, ड्रेड यानी डर था, किस चीज़ का स्कोल्डिंग यानी डांट पड़ने का, और स्पेशली विशेष रूप से जो एम हैमिल थे उन्होंने बोला था कि वो पार्टिसिपल्स, ग्रामर का एक पार्ट है कृदंत जिसको बोलते हैं, क्रिया और विशेषण से रिलेटेड, उस पर वो क्वेश्चन करने वाले हैं, और आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उसके बारे में एक भी शब्द, पहला शब्द भी पढ़ा हुआ नहीं था, मालूम भी नहीं था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ क्षण के लिए तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ और बाहर जा कर के अपना पूरा दिन व्यतीत करूँ।
इट वॉज सो वार्म, बाहर का दिन कैसा था, बहुत वार्म, क्योंकि फ्रांस वगैरह में बहुत ठंड रहती है, तो वार्म यानी जो गर्माहट भरे दिन रहते वो बहुत अच्छे, सो ब्राइटी, बहुत ही ब्राइट दिन थे। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगलों में चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही थी, और सॉमिल यानी आरा मशीन, आरा घर जो होता है वहाँ पर पीछे वहाँ के खुले हुए क्षेत्र में प्रशियन सोल्जर ड्रिल कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सब कैसा था, बहुत ही आकर्षक, टेम्पटिंग मतलब आकर्षक, मनमोहक, बहुत ही आकर्षित करने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, प्रतिनिधियों के नियमों की अपेक्षा यानी पढ़ाई से ज़्यादा अच्छा बाहर का माहौल लग रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, अब बच्चे को बाहर का माहौल बहुत खींच रहा, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति थी, इतनी शक्ति उसने की कि उसका विरोध कर सके, और उसने कहा एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और वह पुनः अपनी स्कूल के लिए तेजी से चल पड़ा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जैसे ही वो टाउन हॉल के सामने से गुजरा, वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड यानी सूचना पटल पर बहुत, उसके सामने बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। For the last 2 years, पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थी वो यहीं से आती थी। जैसे When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of commanding officers, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब बोलता है कि जैसे ही मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा, वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई थी नोटिस बोर्ड के सामने, और पिछले 2 सालों से जितनी भी बुरी खबरें थीं वो सब वहीं से मिलती थीं, जैसे कि हारे हुए युद्ध के बारे में, नई सैनिकों की भर्ती के समाचार के बारे में, कमांडिंग ऑफिसर के जो आदेश आते थे। तो ये सब मैं मन ही मन सोच रहा था बिना रुके हुए कि अब कौन सा नया मुद्दा हो सकता है, अब क्या हो गया जो इतनी भीड़ लगी हुई है। नेक्स्ट देखते हैं। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बग, यू विल get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. अब यहाँ देखिए, वो क्या कर सकता था, वो जितनी तेजी से तेजी चल सकता था वो बच्चा उतनी तेजी से स्कूल पहुँचने की उसको जलती थी, लेकिन वहाँ पर ब्लैक स्मिथ जो लोहार था वॉचर वो वहाँ थे और वो अपने प्रशिक्षक अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षुओं के साथ थे, और वो क्या पढ़ रहे थे, रीडिंग द बुलेटिन, वहाँ पर जो नोटिस बोर्ड था उसको पढ़ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला डोंट गो सो फास्ट बब, बब यानी एक लड़के को बब भी बोला जाता है, अरे अरे बहुत तेजी से मत जाओ, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत समय है, पर्याप्त समय है स्कूल पहुँचने के लिए, इतनी तेज तेज मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर मजाक कर रहे हैं, और मैं जल्दी से एम हेमल के छोटे गार्डन, छोटे बगीचे के सामने ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, आउट इन द हाफते हुई कंडीशन में जल्दी से तेजी से एम हेमल के लिटिल गार्डन के पास पहुंच गया। यूजली व्हेन स्कूल बिगन देयर वाज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब यहाँ बच्चा बोल रहा था कि जैसे सामान्यतया जैसे स्कूल शुरू होते हैं तो बहुत चहल पहल रहा करती थी, और उसकी आवाज़ों को हम कहाँ सुन सकते थे, स्ट्रीट यानी गली में भी सुना जा सकता था, जैसे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खोलना और बंद करना, और यूनिसन यानी एक स्वर में, एक साथ एक स्वर में पाठों को दोहराना बहुत तेज़ी से अपने। देन एज आई हरेड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, मैं उतनी तेजी से जा सकता था जितना मैं चाह सकता था। द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, डोंट गो सो फास्ट बग, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। मैं बहुत कोशिश कर रहा था बहुत तेजी से स्कूल जाने की, उसी समय ब्लैक स्मिथ जो लोहार था वॉचर था वहाँ थे, और विथ हिज अप्रेंटिस अपने प्रशिक्षु के साथ रीडिंग द बुलेटिन उस नोटिस को पढ़ रहे थे, और उन्होंने मुझे बोला, पीछे से आवाज़ बोला, डोंट गो सो फास्ट बब, बब यानी लड़के के लिए कहा जाता है, अरे बब बहुत तेज़ी से मत जाओ, तुम्हारे पास स्कूल पहुंचने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम यानी बहुत सारा समय है।
आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन आउट ऑफ ब्रीथ। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पे मजाक कर रहे हैं, इसलिए मैं हाँफते हुए मिस्टर एम हैमल के लिटिल गार्डन के सामने तक पहुँच गया था। अब आगे क्या देखें, क्या होता है। यूजली वेन स्कूल बिगन देयर वॉज अ ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। नॉर्मली सामान्य तौर पर जब स्कूल खुलते थे तो बहुत चहल पहल रहती थी और बहुत आवाज़ होती थी जिसको हम गली से सुन सकते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे कि डेस्क का खुलना और बंद होना। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों का एक स्वर में दोहराना। यूनिसन मतलब एक स्वर, एक साथ, तो पाठों का एक साथ तेजी तेजी से दोहराना, बहुत तेजी से। विथ अवर हैंड्स ओवर अवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। और बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे अपने कानों के ऊपर अपने हाथ रख लेते हैं और तेजी तेजी से पाठों को दोहराते हैं ताकि वो बहुत अच्छे से याद हो जाए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। और क्या बोलते, तेजी तेजी से पाठों को एक स्वर में दोहराते थे और टीचर्स क्या करते थे, अपना लंबा बड़ा सा रूलर लेकर के टेबल पर ठक ठक किया करते थे ताकि बच्चे पढ़ते रहें। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, आज सब कुछ एकदम से शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. बोलता है कि नॉर्मली दिनों में जो स्कूल में होती थी चहल पहल, वो अब वहाँ पर बिल्कुल नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी हल्ला नहीं हो रहा और ये संडे मॉर्निंग है, संडे कह रहे थे छुट्टी, अर्थात स्कूल में कोई भी बच्चा या कोई भी कुछ भी चहल पहल नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने खिड़की से देखा कि मेरे क्लासमेट्स हैं, जो मेरे सहपाठी हैं, वो अपनी जगहों पर बैठे हुए हैं। एम हैमल जो थे वो ऊपर नीचे हो रहे थे और अपने आयरन रूलर को हाथों से घुमा रहे थे। और मुझे क्या करना था, मुझे दरवाज़ा खोल के सबके सामने जाना था। अब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना ब्लश्ड एंड शर्मा, मैं कितना शर्म से लाल हो रहा था और मैं कितना डरा हुआ था। अब वो बच्चा स्कूल पहुंच जाता है और फिर वो अपनी बताता है कि कैसा उसको शर्म लग रही थी। बट नथिंग हैपन्ड, एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब वो बच्चे को डर था कि वो जैसे ही लेट पहुंचा है स्कूल, कहीं ऐसा ना हो कि एम हैमल उसको कुछ डांटे या किसी के सामने कुछ कहें। तो वो बहुत शर्मा भी रहा था और डर भी रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपन, कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने उनको देखा और बहुत बहुत प्यार से, बहुत दयालुता से क्या बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी स्थान पर जाओ नन्हे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही पाठ शुरू करने वाले हैं, वाले थे। आई जम्प्ट ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं तेजी से कूद के अपनी बेंच पे गया और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट अवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट इज फ्रिल्ड। और वह अपने बेंच पे जाकर के बैठ गया और थोड़ी देर बाद उसने अपने भय पर, अपनी शर्म पर काबू पाया। तब उसने देखा कि उसके टीचर ने क्या पहना है, तो टीचर ने पहना है हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, अपने हरे रंग का सुंदर कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट और झालरदार कमीज पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और सिल्क से बनी हुई छोटी काली टोपी पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि बहुत सुंदर कढ़ाई से सजे हुए थे, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। और वो जो ड्रेस एम हैमल ने पहनी थी वो सिर्फ वो कब पहनते थे, इंस्पेक्शन जब भी निरीक्षण के दिन होते थे, या प्राइज डे जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इनाम वितरण होता था, तब वो पहनते थे, लेकिन वो ड्रेस उन्होंने आज पहनी हुई थी। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलम, इसके बावजूद पूरा स्कूल कैसा दिख रहा था, बहुत अजीब लग रहा था और बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ।
ओल्ड हॉजर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट द फॉर्मर मेयर द फॉर्मर. अब यहाँ वो बोलता है कि जब वो एम हैमिल को देखता है तो उन्होंने बहुत सुंदर झालरदार कमीज और उसके ऊपर ग्रीन कोट पहन रखा था, सिल्क की ब्लैक कैप लगा के रखी हुई थी जिसको वो सिर्फ कब पहनते थे, कभी कभी बहुत खास दिन, जैसे हमारी कोई खास ड्रेस रहती तो हम खास फंक्शंस या इसमें पहनते ना, ऐसे उन्होंने हमेशा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन और इंस्पेक्शन के डेज में पहनी थी, लेकिन वो ड्रेस उन्होंने आज पहन रखी थी. और पूरा स्कूल उसको कैसा लग रहा था, बहुत अजीब और बहुत गंभीर दिखाई दे रहा था. फिर वो बोलता है एक चीज़ मुझे बहुत सरप्राइजिंग आश्चर्यचकित करने वाली थी कि जो मेरे क्लास की पीछे की बेंचेस रहती थी वो हमेशा खाली रहती थी, लेकिन आज उस पर कौन था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अवर सेल्फ, हमारी तरह जो गांव के लोग थे वो भी वहाँ पे बिल्कुल शांत बैठे हुए थे. उसमें कौन कौन था, बूढ़ा हाउजर था जिसने थ्री कॉर्नर तीन कोने तिकोने वाला हैट लगा के रखा हुआ था, द फॉर्मर मेयर पूर्ववर्ती मेयर द फॉर्मर द पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स एवरीबडी लुक सैट एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ब्ड एट द एजेस एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस. अब वो बताता है कि वहाँ पर गांव के कौन कौन थे, पूर्ववर्ती मेयर था, पोस्ट मास्टर था, बहुत सारे गांव के लोग थे और साथ ही एक बूढ़ा हाउजर था. बूढ़ा हाउजर जो था वो एक ओल्ड प्राइमर, प्राइमर यानी जब लैंग्वेज की जो बेसिक बुक होती है उसको प्राइमर कहते हैं, तो वो बेसिक प्राइमर बुक को लेके बैठा हुआ था. उसकी बुक जो थी वो कैसी थी, प्राइमर बुक वो पुरानी हो चुकी थी और उसके कॉर्नर्स पर क्या थे, अंगूठे के निशान दिख रहे थे और हाउजर ने उसको अपने घुटनों के ऊपर रख करके खोला हुआ था और अपने बड़े बड़े चश्मे जो थे उसके ऊपर पेजेस के ऊपर रखे हुए थे. व्हाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल एम हैमिल माउंटिंग हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सैड माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Elsegg and Lorraine. The new master come tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. अब यहाँ पर जब तक कि वो आश्चर्यचकित होता, वो बच्चा फ्रांस जो था उसको थोड़ा आश्चर्य हो रहा था इन सब चीज़ों को देख करके, तभी एम हैमिल ने बहुत ही दुख भरे और जेंटल टोन में क्या कहा, सबको बोला कि मेरे बच्चों ये तुम्हारा आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ. मिस्टर एम हैमिल क्या पढ़ाते थे, फ्रेंच भाषा, तो ये आपकी फ्रेंच भाषा का आखिरी पाठ है. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि आपके जो स्कूल हैं एल्सेक और लॉरिन जो ज़िले हैं उनमें आप फ्रेंच की जगह कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, जर्मन भाषा पढ़ाई जाए. क्यों पढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पर प्रशिया का कब्जा हो चुका था, तो अब यहाँ पर फ्रेंच भाषा की जगह जर्मन भाषा पढ़ाई जाए. द न्यू मास्टर कम टुमारो, आपका नया शिक्षक जो है वो कल आ जाएगा. दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारे फ्रेंच भाषा का आखिरी लेसन है. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब बहुत अटेंटिव, बहुत जागरूक रूप से इस लेसन को पढ़ें. तो बच्चों ये था पार्ट वन, नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे की स्टोरी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें और इसके जो कठिन शब्द हैं ग्लॉसरी जो है वो आप अपनी नोटबुक में नोट करें. थैंक यू बच्चे.